in this video, we have to design an FA to accept the strings that always ends with 0, 0. Okay, यानी कि जो भी strings आप design करेंगे, जो भी आप finite automata design करेंगे, actually this is we have to design a deterministic finite automata, जहाँ पर जो strings हैं, वो 0, 0 से end होनी चाहिए, 0, 0. कहने का मतलब क्या है? देखो, यहाँ पर जो summation है हमारे पास, summation is 0, 1. यानी कि हमारे पास दो symbols हैं, that is 0 and the symbol 1. Now, अब हमारे पास strings क्या क्या हो सकती है? Strings can be epsilon, यानी कि आपके पास कोई भी symbol नहीं है, ठीक है? Next, a string can be 0, string can be 1, string can be 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. उसी तरीके से strings can be 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, and so on, ठीक है? Now they are saying accept the string that always ends with 0, 0, यानी कि last में string के हमेशा 0, 0 आना चाहिए. अब ऐसी कौन कौन सी strings possible हैं जहाँ पर हमेशा 0, 0 से end हो रही है string? कौन कौन सी है हमारे पास, देखिए. सबसे पहले string है हमारे पास 0, 0. अगर ये string आप check करेंगे, string के अंदर सिर्फ दो ही, जो string की length है वो सिर्फ 2 है, और 2 length में हमारे पास 0, 0 आ गया, यानी कि string खुद में 0 में end हो रही है. उसके अलावा अगर हमारे पास कोई string इस तरीके से है 0, 0, 0, इस केस में जो स्ट्रिंग है वो 0, 0 से एंड हो रही है. उसके अलावा इट कैन बी 1, 0, 0, तब भी ये 0, 0 से एंड हो रही है. उसके अलावा वी कैन हैव 0, 0, 0, 0, तो यहाँ पर ये 0 से एंड हो रही है, फिर 0, 1, 0, 0, फिर 1, 0, 0, 0, फिर 1, 1, 0, 0, एंड सो ऑन. तो यहाँ पर इस केस में आप चेक करेंगे कि हर एक स्ट्रिंग जो है वो 0, 0 से एंड हो रही है. तो ये सभी जो स्ट्रिंग है 0, 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
with 0, 0. Lekin dhyan dijiye, usse pehle beginning mein we can have any combination of zeros and ones. For example, if I say I have 0, 1, 0, 1, 0, 0, right? In this case, jo beginning hai, usme hamare paas 0, 1, 0, 1 ek string aa rahi hai. उसी तरीके से अगर मेरे पास है 101000 तो यहाँ पर जो बिगनिंग में स्ट्रिंग आ रही है वो है 1010 ऐसे ही हमारे पास ऐसा भी हो सकता है 111111 लास्ट में वी हैव टू जीरोस तो यहाँ पर बिगनिंग में वी आर गेटिंग सो मैनी वंस ठीक है तो बिगनिंग में आपके पास कितने भी वन हो सकते हैं लेकिन स्ट्रिंग हमेशा जीरो से एंड होना चाहिए तो बिगनिंग में दिस कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोज एंड वंस स्टार्टिंग में जीरो और वन का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है ठीक है तो उन्होंने बोला डिजाइन ऑफ DFA टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग्स दैट ऑलवेज एंड्स विद 00 यानी कि स्ट्रिंग जो है हमेशा 00 से ही एंड करे ठीक है तो अब अगर आप इसको टेप के ऊपर लोड करेंगे तो क्या होगा दिस इज द टेप अब इस टेप पर यू कैन हैव एनी सिंबल्स इन द बिगिनिंग लेकिन एंड में हमेशा 00 होना चाहिए तभी हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं तो यू कैन बिगनिंग में ऐसे 1011 कुछ भी हो सकता है स्टार्टिंग में लेकिन एंड में हमेशा 00 होना चाहिए तो जब हम यहाँ से रीड करेंगे तो विल एज्यूम कि शायद एंड हो सकता है अगर वी गेट 0 और 2 जीरो तो एंड हो सकता है बट जरूरी नहीं कि वो हमेशा एंड ही हो ठीक है तो इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे देखिए सबसे पहले हमारे पास एक इनिशियल स्टेट है ए ठीक है देखिए इसमें आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इट कैन बी क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू इट कैन बी ए बी सी डी और एनी नेम नेमिंग इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो किसी भी स्टेट को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं नाउ अब बिगनिंग में वी कैन गेट एनी नंबर ऑफ वंस डजेंट मैटर ठीक है जैसे कि स्ट्रिंग हमारे पास इस तरीके से है जहाँ पर स्टार्टिंग में कितने भी वन है लेकिन एंडिंग 00 से हो रहे हैं तो बिगनिंग में अगर हमारे पास कितने भी वन आए डजेंट मैटर लेकिन जैसे ही एक जीरो आएगा तो मुझे काउंट करना है बिकॉज ऐसा हो सकता है कि वो दो जीरो हो जैसे कि यहाँ पर देखो 11100 तो स्टार्टिंग में कितने भी वन आए हम हमेशा यहाँ पर रहेंगे लेकिन जैसे ही पहला जीरो आएगा तो मुझे पता चलेगा कि शायद इसके बाद एक और जीरो आ सकता है आई एम नॉट श्योर राइट तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास जैसे कि कोई स्ट्रिंग मैं ले लेता हूँ हमारे पास स्ट्रिंग है 110100 इस केस में बिगनिंग में हमारे पास दो वन आ गया फिर जैसे ही एक जीरो आया तो उसके बाद हमें लगेगा शायद एंड आ चुका है लेकिन इस दूसरे वन की वजह से पता चलेगा कि एंड नहीं आया है ठीक है तो हम इसे स्टेट बी पर पहुंच जाएंगे ठीक है अब स्टेट बी पर अगर हमारे पास एक वन आता है तो यानी कि एंडिंग अभी नहीं आई ठीक है अगर यहाँ से हमारे पास एक और वन आ जाए तो हम फिर से 00 को ढूंढने के लिए वापस चले जाएंगे अदरवाइज अगर यहाँ पर एक और जीरो आ जाए इसका मतलब है शायद एंडिंग आ चुकी है वी आर नॉट श्योर
कहने का मतलब जैसे कि अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग है 1 1 1 0 0 0, तो क्या होगा, पहले जो वंस है हमारे पास हमेशा उसमें स्टेट ए में हम लेंगे। जैसे ही हमने पहला जीरो देखा हम स्टेट ए से स्टेट बी के पास चले गए। अब उसके बाद जब हमने दूसरा जीरो यहाँ पर देखा, दूसरा सेकंड जीरो, तो सेकंड जीरो से क्या होगा, हम स्टेट बी से स्टेट सी पर चले गए और हमने एज्यूम किया कि ये एक फाइनल स्टेट है। समझ आया कि ये एक फाइनल स्टेट है कि शायद हमारी स्ट्रिंग एंड हो चुकी है। लेकिन अगर इसके बाद आप दोबारा से रीड करेंगे तो हमारे पास एक और जीरो आ रहा है। अगर इसके बाद एक और जीरो आ रहा है देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रिंग फिर भी जीरो जीरो से एंड हो रही है, लेकिन उसके बाद वन आ रहा है देन इट्स अ प्रॉब्लम। तो इसके बाद अगर ये जीरो आए देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज स्ट्रिंग फिर भी जीरो से एंड हो रही है। लेकिन इसके बाद अगर वन आए तो हमें स्टार्टिंग से जीरो जीरो ढूंढना पड़ेगा। तो वन आते ही हम दोबारा से इनिशियल स्टेट पर यहाँ पर चले जाएंगे। तो ये जो हमारे पास एक DFA है, ये DFA रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रिंग्स दैट आर एंडिंग विद जीरो जीरो। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे कि लेट अस से वी हैव अ स्ट्रिंग विच इज 1101101100, ये आपकी एक स्ट्रिंग है। तो होगा क्या, हम इस स्ट्रिंग को पहले लोड करेंगे टेप के ऊपर, तो इट विल बी 1101010 and 0। ठीक है, अब देखिए बुक गाइस, काफ़ी बुक में ऐसी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी आपको जहाँ पर हम ये दिखाएंगे कि एक सिंबल को रीड करने के बाद हम कहाँ पर पहुँचे। जैसे कि ये आपकी स्ट्रिंग थी विच इज 1101101000। ठीक है, अब देखो पहला सिंबल हमने रीड किया, हम स्टेट ए पर थे इनिशियली। हम रीड करने से पहले, देखिए रीड करने से पहले हम स्टेट ए पर थे। ठीक है, अभी हमने पहला सिंबल रीड किया है उससे पहले हम स्टेट ए पर थे। अब जैसे ही हम पहला सिंबल रीड करेंगे पहला सिंबल, तो आप स्टेट ए से दोबारा से स्टेट ए पर आ जाएंगे। तो ये क्या होगा हमारे पास 1A10AA110100, जहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है बट इज़ अ करंट स्टेट। ठीक है, हमने पहला सिंबल को रीड करके हम स्टेट ए पर आ चुके हैं। अब हमने दूसरे सिंबल को रीड किया, दूसरे सिंबल पर रीड किया, अगर हमने स्टेट ए पर फिर से बनाया तो हम स्टेट ए पर ही रहे। तो क्या होगा 1 1 A 0 1 1 0 1 0 0। तो अब हम दो सिंबल्स रीड कर चुके हैं। उसके बाद हमारा थर्ड सिंबल आ रहा है ज़ीरो। अब थर्ड सिंबल ज़ीरो आएगा यानी कि हम स्टेट ए से लेकर स्टेट बी पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर इस सिंबल को रीड कर कर तो हम कितने सिंबल्स रीड कर चुके हैं, हमने तीन सिंबल रीड किए और हम स्टेट ए की जगह पर स्टेट बी पर पहुँच गए 1 1 0 1 0 0, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट सिंबल आया हमारे पास 1, नेक्स्ट सिंबल आया हमारे पास 1। तो यानी कि बी के अंदर अगर आपने 1 को रीड किया तो दोबारा से हम स्टेट ए पर चले गए, तो 1 1 0 1 A 1 0 1 0 0, इस तरीके से, करेक्ट। अब आप देखिए फिर से कि यहाँ पर नेक्स्ट सिंबल आ रहा है हमारे पास 1, फिर से एक और सिंबल आया हमारे पास 1। ठीक है, तो क्या होगा, ए पर 1 आया तो दोबारा से हम ए पर ही रहेंगे, बहुत सिंपल है। तो हमारे पास सिंबल आ गया 1 1 0 1 1 A 0 1 0 0। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सिंबल है वो है हमारे पास 0। ए पर 0 आया तो हम बी पर चले गए, तो इट इज 1 1 0 1 1 0 B 1 0 0। ठीक है, अब नेक्स्ट सिंबल फिर से हमारे पास 1 आ रहा है, तो हमने यहाँ पर 1 रीड किया तो हमारे पास आएगा 1 1 0 1 1 0 1 A 0 0। देखिए ये जो B आया, B स्टेट पर अगर आपको 1 मिलता है हम दोबारा से स्टेट A पर चले जाएंगे, करेक्ट। अब नेक्स्ट सिंबल हमारे पास है 0। ठीक है, तो क्या होगा 1 1 0 1 1 0 1 0 B 0, यानी कि इस A पे अगर आपने 0 को देखा, इस A पर आपने 0 को देखा तो आप B पर चले गए। ठीक है, अब लास्ट सिंबल है वो भी हमारे पास 0 है, तो क्या होगा 1 1 0 1 1 0 1 0 0, और इस B पर आपने 0 को देखा तो आप स्टेट C पर चले गए जो कि एक फाइनल स्टेट है। तो आफ्टर रीडिंग द एंटायर स्ट्रिंग आप फाइनल स्टेट पर चले गए, तो ये आपकी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो गई, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है इट इज़ एंडिंग विद 0 0। देखिए ये जो एक रिप्रेजेंटेशन थी, काफ़ी जगह पर ये एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया होता है जो कि बस ये दिखाता है कि कितना स्ट्रिंग्स को हम रीड कर चुके हैं और कितना स्ट्रिंग्स रीड करना बाकी है। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हैं दे आर वेरी सिंपल रिप्रेजेंटेशन, बट इनिशियली अगर आप बुक्स को पढ़ेंगे, बुक्स को रीड करेंगे, तो ये रिप्रेजेंटेशन से आप काफ़ी बार कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सभी तरह के रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पर कवर कर सकूँ ताकि आपके लिए समझना उतना ही आसान हो जाए और आप बुक्स से भी इसको ईजिली रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो को में नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।